Hey guys, welcome back to the channel and I hope you all guys are doing well. So, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कीपिंग ग्लव्स को किस तरीके से मॉल करना चाहिए, राइट? अगर आपने कीपिंग ग्लव्स का ध्यान नहीं रखा तो बट ऑब्वियस है आप टफ चांसेस और हाफ चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैच में अक्सर टफ चांसेस आते हैं और अगर आपकी ग्लव्स अच्छे तरीके से मोल्ड नहीं होंगे तो बॉल आके चिपकेगी नहीं। अगर आपको ये हाफ चांसेस टफ चांसेस को कन्वर्ट करना है तो मेक श्योर आप कीपिंग ग्लव्स का ऑफ द फील्ड अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, उसे अच्छे शेप दिए, जिस तरह से फिर मैच में आप ये सब चांसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आपको सिर्फ बॉडी लेके जाना होता है और रेस्ट ऑफ द काम आपका ग्लव्स कर लेगा, बॉल ऑटोमेटिक आके चिपक जाएगी। तो ये है कुछ तरीके जिससे आप कीपिंग ग्लव्स को अच्छे तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। तो फर्स्टली आप कुछ बॉल को इस तरह से अपने ग्लव्स में जगल करिए, नए ग्लव्स को यूज टू करिए अपने हाथ के साथ। सेकंड, आप एक ही हाथ में आपका ग्लव्स वेयर करिए और दूसरे हाथ में बॉल को जोर से हिट करिए ग्लव्स में, तो इससे क्या होगा आपका कीपिंग ग्लव्स शेप लेना चालू कर देगा। और सेम करिए दूसरे हाथ के साथ, लेफ्ट में वेयर करके राइट हैंड से जोर से मारिए। थर्ड, प्रैक्टिस होने के बाद आपके कीपिंग ग्लव्स को आप रस्सी से बांध कर अपने किट में रखिए, इससे क्या होगा ओवरनाइट वो शेप ले लेगा और नेक्स्ट डे उसका मोल्ड अच्छा हुआ रहेगा और आपको अच्छी तरीके से कैचेस लेने में आसानी होगी। फोर्थ, अगर आपके पास हैमर है तो हैमर से आप कीपिंग ग्लव्स को कुछ इस तरह से फास्टली शेप दे सकते हैं और आई पर्सनली थिंक ये बहुत ही इजी वे है कीपिंग ग्लव्स को मोल्ड करने का। फिफ्थ, आप नॉर्मल कैचेस लीजिए एक शॉर्ट डिस्टेंस से आपके फ्रेंड्स के साथ, तो इससे कीपिंग ग्लव्स को और अच्छे से शेप हो जाएगा। सो गाइस, ये थे कुछ तरीके जिससे आप कीपिंग ग्लव्स को मोल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास भी कोई इनोवेटिव आइडिया है तो प्लीज़ शेयर करिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप प्लेइंग एंड कीप इट सिंपल।